लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोहिनी, अब हमें ये रोज रोज की मुलाकातें कम कर देनी चाहिए। क्यों? मैंने तो सुना है शादी के 7 साल बाद पत्नी बोर लगने लगती है। तुम तो अभी से उग गए। अरे परीक्षा नजदीक आ रही है और अगर इस बार मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया ना तो नेवी में मुझे आसानी से कमीशन मिल जाएगा। तुम नेवी के अफसर बनना चाहते हो? हाँ, मेरे पिताजी का ये ख्वाब था। मोहिनी, मेरे लिए नौकरी सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, अपने देश से जुड़ने का, उसकी जद्दोजहद में शामिल होने का एक बहाना है। और अगर कहीं तुम ट्रैफिक हवालदार बन गए तो फिर मैं वक्त की रफ्तार को भी रोक दूंगा। ठहर जाओ भाई, मोहिनी जी की सवारी जा रही है। चलें। चल। शर्म नहीं आती गलियों के आवारा कुत्तों के साथ इतनी रात तक घूमते हुए? पिताजी, आपको जो गाली देनी है मुझे दीजिए। अनजान लोगों के बारे में से बेहुदा बातें करना शरीफों की निशानी नहीं है। तुम जैसी नादान बच्चियों को बहकाना शरीफों की निशानी है, या फिर अब तुझे ही मर्दों की जरूरत पड़ने लगी है? छी, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी के साथ ऐसी वाहियात बातें करते हुए। एक बाप के होते हुए भी अनाथ महसूस करती थी मैं अपने आप को, लेकिन मुन्ना के छूने से मुझे चैन मिला। उसके साय में मुझे लगता है मैं महफूज हूँ। जिसके साय में तुम गुम होना चाहती हो ना, जानती हो उसकी हैसियत क्या है? उसका बाप एक मामूली सा क्लर्क था, रहने के लिए एक टूटा फूटा पुराना मकान है, खर्चा चलाने के लिए स्विमिंग पूल पर 500 रुपए की नौकरी करता है, सिर्फ 500 रुपए की, और उसके संगी साथी साले सारे के सारे बेरोजगार और मवाली। तू उसका बाप एक मामूली क्लर्क था मगर अपनी कमाई से अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, बीवी बच्चों की कमाई नहीं खाता था। उसके पास एक किराए का टूटा फूटा मकान है मगर ऐसी हवेलियों से बेहतर है जो गिरवी रखी हुई हैं। खर्चा चलाने के लिए महीना 500 रुपए की नौकरी करता है मगर उन लोगों से बेहतर है जिनका रो रो कर्जे में डूबा हुआ है। उसके संगे साथी बेरोजगार मवाली है मगर शराबी और जुआरी नहीं। ताने देती है, अरे अगर मैं जुआ खेलता हूँ या शराब पीता हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ हाँ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरी माँ का जाता है। बकवास बंद कर, पहले ये बता कि डांस क्लास में क्यों नहीं गई थी? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मुझे सब अच्छा नहीं लगता, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। पढ़ाई गई फार में, 6 महीने के अंदर तुझे स्टेज पे शो देने के लिए तैयार होना है, समझी? मुझे शो नहीं करना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। आइंदा उस लौंडे से मिलने की कोशिश की तो याद रखना, तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी मां का किया था। आइए, बहुत मेहरबानी की आकर। यार 3 दिन से इंतजार कर रहा हूं, आज तक किसी के लिए इंतजार नहीं किया मगर बेवकूफों की तरह 4-4 घंटे यहाँ आकर खड़ा रहता हूँ। यार किसी को फोन कर सकती थी, ज्योति को बोल सकती थी। मुन्ना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्या 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 कहा तुमने? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला किया। फैसला? है कि... ये हम दोनों की जिंदगी का फैसला है और ये तुमने अकेले कैसे कर लिया? ये मत भूलो कि ये मेरी जिंदगी का भी फैसला है जिसको करने का मुझे पूरा हक है। तू समझती क्या अपने आप को? मजाक लगा रखा है, एक झापड़ रख कर दूंगा ना ये सारा हकबक बाहर निकलेगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है मुन्ना, मैं जा रही हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। तूने समझ क्या रखा मुझे? तू मेरी जिंदगी से चली जाएगी और मैं तुझे देखता रहूंगा। मीरजादे, अगर मैं तेरे लिए मर सकता हूँ तो तुझे मार भी सकता हूँ मगर मैं किसी कीमत पर तुझे अपने से अलग होने नहीं दूंगा। Ha ha ha!
तुम्हारा यही रूप देखना चाहते थे। मैं देखना चाहती थी कि तुमसे अलग होने का जितना खौफ मुझ में है उतना तुम में भी है कि नहीं। मैं देखना चाहती थी कि जिस आग में मैं जल रही हूं उस आग में तुम भी शामिल हो कि नहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारी रोज रोज की मुलाकातों ने कहीं इस आग को ठंडा तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसने मारा तुम्हें मोहिनी? किसने? पिताजी ने तुमसे मिलने की सजा दी, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी मुन्ना। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। नरक जिसे मैं अपना घर समझती थी, वो सब कुछ जिसे मैं अपना समझती थी, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। इन बदन के कपड़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो कमा लेता हूं कि हम तीनों का काम चल सकता है, और जब काम चलेगा तो जिंदगी भी चल जाएगी। मोहिनी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, जरूर कोई बात होगी। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी किसी और से कर देना चाहते हैं? वो क्या मेरी शादी करेंगे? वो मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। क्यों? वो मुझे सिंगर बनाना चाहते हैं, स्टेज पर नचवा कर मेरी कमाई से ऐश करना चाहते हैं। मेरी माँ के साथ भी तो उन्होंने यही किया था। माँ स्टेज पर नाचती थी, गाती थी, पिताजी तबला बजाते थे। दोनों में प्यार हो गया और शादी कर ली। शादी के बाद तो पिताजी ने तबला बजाना ही छोड़ दिया। तबला तो छूट गया, मगर जुए और शराब ने उन्हें पकड़ लिया। नाच कर माँ जो कमाती थी ना, पिताजी उसे जुए और शराब में गवा देते थे। माँ जब भी इस बात पर उनसे लड़ती थी तो उसका मुंह पिताजी तमाचों से बंद करते थे। स्टेज पर मिली तालियां और घर पे मिले तमाचों के बीच का सफर काटते काटते पता नहीं कैसे माँ में एक दिन इतनी हिम्मत आ गई कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं जा रही हूँ, मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती। हाँ जाओ, शौक से जाओ। बाहर भेड़ियों की फौज तुम्हारा और तुम जैसी उन तमाम औरतों का इंतजार कर रही है जिनके आगे पीछे कोई मर्द नहीं होता। जा जाओ। मर्दों की बनाई दुनिया में सिर्फ भेड़िए तो हो सकते हैं, घर के अंदर या बाहर। अरे घर का भेड़िया कम से कम बाहर के भेड़ियों से तुम्हारी हिफाजत तो कर सकता है। क्या भरोसा, घर का भेड़िया किसी दिन मुझे बाहर के भेड़ियों के हाथ बेच भी तो सकता है। कमीना नहीं हूँ मैं। जब तक तुम्हारा फन बिकेगा ना, तुम्हारा जिस्म बेचने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी। और जिस दिन मेरा फन बिकने के काबिल नहीं रहेगा तब 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 के लिए मेरी होनहार बेटी मोहिनी जो है, मेरी बेटी को कैसे गवारा होगा कि इसका बाप दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगे। मुझको छोड़कर मत जाना मेरी बेटी, मत जाना। खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ आंख भी उठाई तो। चल मोहिनी। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। जानती हूँ ये क्या है। इसे कहते हैं एसिड। क्या तेजाब? अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो इस तेजाब से वो हाल करूंगा कि ना फन बेचने के काबिल रहोगी और ना ही तन। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान हूँ। अच्छा। जहाँ से तुम्हारी शराब, तुम्हारा जुआ, तुम्हारे सारे अय्याशियों का सामान आता है। इस दुकान को बंद करने की हिम्मत तुम्हें नहीं है। अभी बताता हूँ अपनी हिम्मत। सुबह जब माँ के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो उसने अपना तालियों से तमाचों तक का सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, मगर पिताजी पर उसके आत्मा तक असर बिल्कुल नहीं हुआ। माँ का सफर तो खत्म हो गया था, मगर मेरा शुरू हुआ था।
तेरा तालियों से तमाचे तक का सफर मैं आज इसी वक्त अभी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तू घर जा और ज्योति को लेकर मंदिर आ जाना। मैं बबन और दूसरे दोस्तों को बुलाकर बाकी का इंतजाम करता हूं। मगर किस लिए? किस लिए? बेवकूफ, आज हमारी शादी है, अभी इसी वक्त चलें। मेरे और मुन्ना के बीच ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे बचाने की कोशिश की जाए, समझे? नहीं मोहिनी, तुम्हारे और मुन्ना के बीच में जो कुछ रह गया है वो मैं मुन्ना की आंखों में देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हो? पैसे की हवस? उसके लिए मैं मोहिनी नहीं, एक बुट्ठे की लौंडिया बन गई हूँ, जिसे छुड़ा कर लाने के लिए उसने मेरे बाप से सौदा किया और एक नर्क से लाकर दूसरे नर्क में झोंक दिया। मैंने कितने विश्वास से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, अपने आप को भूल कर उसे प्यार किया, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, रौंद दिया अपने पैरों तले मेरी भावनाओं को। नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ उसके ख्याल से, नफरत करती हूँ। यही तो चाहता था वो कि तुम उससे नफरत करने लगो। हाँ मोहिनी, वो जानता था कि जितना वो तुमसे प्यार करता है उतना ही प्यार तुम भी उससे करती हो, और जब तक वो तुम्हारी नजरों में गिर नहीं जाता, तुम्हारी नफरत का शिकार नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी दूसरे से शादी नहीं करोगी। तुम्हें सक्सेना के महल में राजकुमारी बने देखना मंजूर था उसे, मगर यह मंजूर नहीं था कि उसकी मोहिनी एक तड़ी पार खूनी के साथ दर बदर की ठोकरें खाती फिरे। सक्सेना? हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सक्सेना तुमसे शादी करना चाहता है। और वो रुपए जो उसने मेरे सामने लिए थे? बांटती है, सब बांटती है उसने अपने बेरोजगार दोस्तों में। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, मगर जो नहीं होना चाहिए उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूं। कोई नहीं, जब लोटिया ने तुम्हें उठवा लिया था तब इस शहर में सिर्फ एक हाथ था जो लोटिया तक पहुंचकर तुम्हें रिहा करवा सकता था, मुन्ना का हाथ। और आज जब वो एक गुमनाम जिंदगी बिताने हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा है, तब भी उसका साथ देने के लिए इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही हाथ है, तुम्हारा हाथ। इन दोनों हाथों को मिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और जरूरी हुआ तो मेरी मौत का मकसद भी। जाओ मोहिनी, जाओ। ठहरो मोहिनी, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर। अब वो नहीं रुकेगी श्यामलाल। अबे हाथ बिंदी के छोर पे। ये मेरा जिस्म जो है कोई बहुत तगड़ा नहीं है श्यामलाल, मगर जेल की काल कोठरी में तप तप कर मैंने अपनी रूह को मजबूत बनाया है, और कभी कभी रूह जिस्म से ज्यादा ताकतवर होती है। जा मोहिनी, जा। जा रही है, जा मोहिनी, जा। आज तुझको